देखो सबसे पहले क्लैरिफिकेशंस, मैं ये कितने दिन बाद ब्लॉक कर रहा हूँ? 20 दिन बाद? नहीं, लास्ट ब्लॉक कब आया था? कहते 12 या 12 मिड मार्च में आया था आई थिंक, नहीं लास्ट के 10 दिन में आया था मार्च में, 10-12 दिन हो गए हैं, मतलब मुझसे बोलने नहीं हो रहा अभी। मतलब पहले तो भाई ऐसा ऑन सीन था, कैमरा रखो सामने बैठो, ऐसी शुरू होती थी, लंबी एंड ही नहीं होती थी, और आज बोलने ही नहीं हो रहा। मैं एक सेकंड थोड़ा सा इंटरनलाइज, थोड़ा सा एनवायरनमेंट अंदर आएगा ना फिर बोला जाएगा। एक सेकंड रुको, देखो आज के व्लॉग में तीन चीजें हैं। सबसे पहले क्लैरिफिकेशन है, उसके बाद मुझे अपने आप से एक सवाल पूछना है जो कि मैं ही पूछूंगा, मैं ही आंसर करूंगा, और उसके बाद एक मुझे जरूरी बात करनी है। क्लैरिफिकेशन गेम ये है कि जब मेरी लास्ट वीडियो आई थी जिसके अंदर मैंने एंड ऑफ सीजन 1 वाला गेम किया था, उस वीडियो के अंदर मुझे लोगों ने बोला कि यार तुमने देवदास का पार्ट 2 तो बना दिया, वो चलो खैर है, मगर इस वीडियो के अंदर हमें कुछ बातें हैं जो क्लियर करनी है। भाई पूछो भाई क्या बात है, आपके सारे आपके मसले मसाइल हल करेंगे, बैठे यहाँ पे। मैंने बोला कि यार वो दोस्त कौन था, बड़े दोस्त का नाम बताओ, दांत तोड़ देंगे उसके चप्पल मार मार के, वो बंदा कौन था जिसने तुमको बोला था मैं ब्लॉग्स खराब है, बंद तुमसे करवाई ब्लॉगिंग, वो कौन था वो आदमी? ये पहला सवाल जवाब एंड में। दूसरा है कि आप ब्लॉगिंग बंद कर रहे हो, आप ब्लॉग्स नहीं बनाओगे अब तुम हमसे? दूसरा सवाल यार हमने तो पैसे पूरे दिए थे, तो एंड में टीवी क्यों खराब हुआ हमारा है? आप कौन सा केबल चला रहे हो? हमारे पैसे वापस करो चलो। तो भाई वो टीवी खराब बताते हैं एंड में, सही है। और एक सवाल और भी आया था, एक और सवाल क्या था, नहीं बस यही तीन सवाल थे। पहले सवाल का जवाब ये था कि यार देखो वो जो दोस्त है ना यार, वो गलत ले लिया है आप लोगों ने गलत समझ लिया, वो दोस्त एज इन कोई स्पेसिफिक बंदे ने आके, मुझे एक बंदे ने आके बोला नहीं था इसके वजह से मैंने बंद कर दिया ब्लॉगिंग, वो एक दोस्त, वो समझो एक मेटाफोरिकल, वो है एक मीडियम है, मतलब एक मेटाफोरिकल फिगर है जिसको मैंने यूज करके ये बात बताई है। मुझे ऑलरेडी ये बात समझ आ चुकी थी और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली थी, तो उसको मत कुछ बोलो, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, वो एक इंसान नहीं है, समझो बस मैं ही हूँ, मेरी रिफ्लेक्शन है एक, मतलब जो मुझे बोल रही है, थोड़ा डीप चल गया, ये पता है मुश्किल है समझना मगर ट्राई करो समझ आएगी। दूसरा, यार ब्लॉग बनाना बंद कर रहे हो? हाँ यार मैं ब्लॉगिंग बंद कर रहा हूँ, यहाँ बैठ के पान लगा रहा हूँ, नहीं मैं ब्लॉग्स बनाना बंद नहीं कर रहा, मैं बना रहा हूँ ना ब्लॉग यार, मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, सुन लो ना यार जो मैंने बोला था। तीसरा सवाल क्या पूछा था मैंने, टीवी क्यों खराब हो गया था? यार टीवी खराब करने का मकसद ही वही था ना यार, बताना नहीं था तो बताएंगे यार, थोड़ा सबर करें उसके अंदर, एक दो डेट्स वेट बताइए मैंने खराब टीवी के अंदर भी, और सुनो क्या बोला था। ये सब सीन साइड में, वीडियो का एंड हो गया गेम, अब नया दिन, नई शुरुआत हो रही है, नई चीजें हो रही है, पता नहीं, सॉरी नहीं कुछ नहीं हो रहा, मतलब मुझे कुछ फील आ रहे नए साथ। खैर दूसरी बात जो मुझे अपने आप से एक सवाल पूछना था, वो सवाल ये था कि अब्दुल्ला एक बात बताओ, आपने ब्लॉग्स बनाना बंद कर दिए ताकि आप पढ़ाई पे फोकस कर सको अपनी, हमें समझ आ गई बात, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपने ये सब कुछ करके, आपने ब्लॉग्स बना कम करके, बिल्कुल कम किया तुम बना के गए उन लोगों को, हम लोगों को क्या समझाया तुमने, जिम के बाद समझाया तुमने हमको, तुमने बना दिया कि फ्रीक्वेंसी कम होगी, एक भी ब्लॉग नहीं आया है, ये सब कुछ करके कुछ फायदा हुआ? मतलब तुमने एक्चुअल में पढ़ाई करी है? पढ़ाई करी? यार देखो हुआ कुछ यूं कि मुझे पढ़ना था मगर फिर वक्त ने किया एक संगीन सितम, अबे बंद करो उसको, वक्त ने किया एक संगीन सितम और मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा कि अपने प्रोक्रेस्टिनेटिंग, जिस टाइम मैं यूजली ब्लॉग करता था वो टाइम मैं बेड पे या तो सोता रहा या कुछ मूवी देखता रहा, मैंने घंटा कुछ नहीं पढ़ा, मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं सॉरी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सच में कुछ भी नहीं पढ़ा, और वो मैं बता, वो मैं पेपर्स दिखाऊंगा, मेरे एग्जाम वापस आने थे, मैं मार्क्स दिखाऊंगा सामने लिखे हुए, अंडे बने होंगे लाल लाल, हर कलर के अंडे मिलेंगे आपको, हर जगह पे अंडे मिलेंगे, मतलब ना मिले लेकिन मेरा पेपर बुरा हुआ था, अच्छे खासे बुरे पेपर में, पढ़ाई नहीं करनी थी, अब थोड़ी पढ़ाई पे फोकस करना है, ये हो गया। अब तीसरी बात जो कि एक नॉर्मल रैंडम बात है, वो बात ये कि बहुत से लोग ऐसे हैं बोलते हैं व्लॉग्स में कुछ दिखाओ है, मतलब कुछ सिनेमैटिक सीक्वेंसेस या मतलब चांद से तारे, फूल और खुशबू और मतलब कुछ गाड़ी जाते हुए दिखा रहा, जूम और टायर घूम रहा हो, वो गाड़ी बंद कर रहे हो, स्टीयरिंग मुड़ रहा है, सीक्वेंसेस बिल्डिंग सूरज भाई गाड़ी ऊंच आ रही है, फुल सीन्स कुछ दिखाओ, मतलब बैठ के बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, तुम पागल हो गए यार। तो यार अगर आपको सूरज फूल सितारे रोडे गाड़ियां देखनी तो खिड़की से बाहर देखो ना यार, ज्यादा साफ देखेंगी, अच्छी देखेंगी, ये ब्लॉग क्यों देख रहे हो? मतलब चलो मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर मैं घूम फिरने जा रहा हूँ कहीं,
किसी जगह पे जा रहा हूँ तो मैं वीडियो बना भी लूँ समझ भी आ जाएगी। अगर मैं इसी तरह अगर मैं बिला वजह बाहर जाके रोडों और गाड़ियों की वीडियो बनाना शुरू कर दी ना मैंने, लोग तो पत्थर मारेंगे मारेंगे, मैं खुद भी पागल गया हूँ यार। देखो हफ्ते में 2-3 बार मिलते हैं तो थोड़ा बैठ के बातें कर लो, कुछ मैं सुनाऊंगा कुछ आप सुनाना, चिलिंग करेंगे। है वो क्या था, वो एक मुहावरा है ना, बहुत मजे का मुहावरा है, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। क्या बात है, मतलब क्या बात है, मतलब समझो यार, डेप्थ पे जाओ इसकी, सही है। तो कल नहीं मिलते आपसे, परसों नहीं, जल्दी मिलेंगे, अब आएगा, अब आने लगेंगे, एक दो हफ्तों में, सॉरी 3-4 दिन 5 दिन में आ जाएगा ब्लॉग आज से। और एक चीज और थी, वो चीज ये थी कि सिनेमैटिक से इंट्रो हुआ था तो सिनेमैटिक से आउट। भाई 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 किधर, एक 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 सेकंड भाई, सबर सबर सबर, हाँ सबर, आपको पता नहीं लोगों का, यहाँ पे लोग जान लेते हैं। अब तो उसने वीडियो भी बना दिया, अब तो बंदे ने बोल भी दिया, अब तो यार मुझे छाप लो मसला नहीं, मगर भाई ये लोग नहीं समझते है बात, यहाँ पे घर पहुंच जाएंगे मारपीट शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा मुझे यार मुझे पता है कि सिनेमैटिक सीक्वेंस इनका अच्छा लगता है बार के साथ, मगर समझाया इसको, देखो जबर ये करवा रहा है, मैंने कुछ नहीं करा तो भाई सही है। हाँ डन, देखो आ जाना पर ऐसे करके नहीं आना, डायरेक्टली आ जाना, ठीक है ठीक है।